दोस्तों यहाँ पर एक मिनट लिखा है, तो हम कोशिश करेंगे आपको एक मिनट में ही इंस्टाग्राम पासवर्ड चेंज करके दिखा दें। बहुत ही नया तरीका है, बहुत ही यूनिक तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे हम इंस्टाग्राम पासवर्ड चेंज करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो है, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम ऐप ओपन कर लेता हूँ। मुझे इंस्टाग्राम का पासवर्ड क्या है पता नहीं है, ईमेल आईडी पता नहीं है, फ़ोन नंबर पता नहीं है, फिर कैसे पासवर्ड चेंज करना है इस वीडियो में बताऊँगा। राइट साइड बॉटम में देखिए प्रोफाइल फोटो आइकन ही, प्रोफाइल फोटो आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। राइट साइड टॉप में देखिए थ्री लाइन है, और ये थ्री लाइन के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर एक ऑप्शन है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन है पासवर्ड, पासवर्ड सिलेक्ट करना है, और यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हो। लेकिन आपको करंट पासवर्ड पता होना चाहिए। मुझे करंट पासवर्ड क्या है पता नहीं है। अगर आप इंस्टाग्राम पासवर्ड पता करना चाहती हो, जानना चाहती हो, इस टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक है, वहाँ से वीडियो देखकर पासवर्ड पता कर सकती हो। जैसा कि मुझे यहाँ पर करंट पासवर्ड पता नहीं है, फिर नीचे ऑप्शन है फॉरगेट योर पासवर्ड। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपको ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर पता होना चाहिए, जो कि हमें पता नहीं है। तो यहाँ से कीजिए बैक, फिर नीचे ऑप्शन है सेव लॉगिन इन्फो सेलेक्ट करना है, सेव लॉगिन ये सेटिंग ऑन कीजिए, सेव फ़ोन नंबर ये सेटिंग भी ऑन कर सकती हो। पासवर्ड पता करने के लिए, चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको ये सेटिंग ऑन करना है, सेव लॉगिन ये सेटिंग ऑन करने के बाद यहाँ से कीजिए बैक। नीचे देखिए ऑप्शन है सिक्योरिटी चेकअप, सिक्योरिटी चेकअप सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है पासवर्ड, ईमेल, फ़ोन नंबर, और यहाँ से ईमेल सेलेक्ट करना है। जैसा आप यहाँ से ईमेल सेलेक्ट करोगे, आपको यहाँ पर ईमेल आईडी पता चल जाएगा, ईमेल आईडी देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर ईमेल आईडी देखने को नहीं मिलता, ईमेल आईडी नहीं है, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी अपडेट करना है। याद रखिए वही ईमेल आईडी ऐड कीजिए जिस ईमेल आईडी पर कोई भी इंस्टाग्राम अकाउंट अभी तक क्रिएट ना हुआ हो। फ्रेश ईमेल आईडी आपको यहाँ पर अपडेट करना है, ठीक है। यहाँ पर ईमेल आईडी मैंने अपडेट कर लिया है, और यहाँ से कीजिए नेक्स्ट, ठीक है। और आपको यहाँ पर उस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी रिसीव होगा। तो ये ईमेल आईडी मेरे दूसरे फ़ोन में लॉगिन है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं ईमेल आईडी ओपन करूँगा, और यहाँ पर देखना ईमेल आ चुका होगा, देखने को मिलेगा, और ये ओटीपी मैं एंटर कर लेता हूँ, पर ओटीपी 58, ठीक है। यहाँ पर ओटीपी एंटर करने के बाद फिर कीजिए यहाँ से नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए योर ईमेल हैज़ बीन अपडेट, और ये ईमेल आईडी यहाँ पर अभी अपडेट हो चुका है, ठीक है। फिर यहाँ से कीजिए इसे डन, इसे डन करने के बाद ईमेल आईडी यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। फिर यहाँ से करना है बैक, ठीक है, और यहाँ से कीजिए फिनिश लेटर, यहाँ से बैक करना है। फिर यहाँ से पासवर्ड सिलेक्ट कर लीजिए, पासवर्ड सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पर नीचे ऑप्शन है फॉरगेट योर पासवर्ड, फॉरगेट योर पासवर्ड यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पर अपडेट किया है उस ईमेल आईडी पर एक लिंक रिसीव होगा। ये ईमेल आईडी ये फ़ोन में लॉगिन नहीं है, ये फ़ोन में लॉगिन है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए फिर से यहाँ से मैं ईमेल ओपन करता हूँ, और यहाँ पर देखना और एक ईमेल रिसीव होगा। यहाँ पर देखिए रिसेट योर पासवर्ड ईमेल आ चुका है। यहाँ पर ईमेल ओपन करते हैं, और ये फ़ोन में आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये फ़ोन में ईमेल आईडी लॉगिन है। सेट पासवर्ड यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, ये ब्राउज़र में ओपन होगा, और यहाँ से आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए जैसे यहाँ पर ये ब्राउज़र में ओपन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर न्यू पासवर्ड, और यहाँ से फिर, ठीक है, और यहाँ से पासवर्ड आप करके यहाँ से रिसेट करोगे, और ये पासवर्ड यहाँ पर चेंज हो जाएगा। मुझे पासवर्ड चेंज नहीं करना है। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप यहाँ पर पासवर्ड इस तरीके से रिसेट कर सकती हो। मुझे उम्मीद है आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन ज़रूर से पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पर लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।